जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन अंतर्गत चक्कर की मिलक में अचानक निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिर गया। अचानक हुए हादसे से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और लिंटर के नीचे से दबी हुई बच्ची को बाहर निकालकर तत्काल उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन क्षेत्र के चक्कर की मिलक में करीब 20 दिन से एक मकान का निर्माण किया जा रहा था। आज शनिवार को निर्माणाधीन मकान का अचानक लिंटर गिर गया। लिंटर गिरने से 13 वर्षीय समरीन लिंटर के नीचे दब गई, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान 13 वर्षीय समरीन की मृत्यु हो गई। बच्ची की मौत से इलाके में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं सूचना पाकर थाना सिविल लाइन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। जाफरी, आप चक्कर के मिलक में? आज ये लिंटर गिर गया, सुबह से लिंटर डलिया, जेट का लिंटर है ये। काम तो ये हो रहा है, लिंटर तो सुबह से डल लिया था, काम तो ये 20 दिन से ज्यादा हो गए बनते हुए घर इनका, और लिंटर सुबह से डल लिया था। खत्म हो गई वो लड़की तो है? ये कह रहे हैं सब लोग खत्म हो गई, आ गई वापस। सिविल लाइन्स में चक्कर की मिलक पे एक श्रीमान जौहर अली का जो निर्माणाधीन मकान था, जिसमें लिंटर डल रहा था, इसी में लिंटर डलते हुए इसका एक हिस्सा नीचे गिर गया था, जिसके नीचे एक लड़की समरीन डॉटर ऑफ शाकिर उम्र 15 साल की मलबे के नीचे दबने की वजह से मृत्यु हो गई है। और उसी के साथ जो एक और लड़की थी नगमा, जो वहाँ पे मौजूद थी उसके साथ, वो वहाँ से भागने में कामयाब रही और वो उसको कोई चोट नहीं पहुंची है, परंतु इस जो मलबे में दबने की इंजरीज की वजह से समरीन की मृत्यु हो गई है। और अब उस पर जो भी पंचायत नामे की और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और आगे का जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। अभी फ़िलहाल इस चीज़ के ऊपर जांच नहीं की गई है, और जो भी निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जो लकड़ी थी जो लिंटर को सपोर्ट करती है, उसके टूटने से ये घटना होने की प्रथम दृष्टया संभावना लग रही है। इसकी पूर्ण रूप से जांच जो है, जो इंजीनियर्स हैं उनको बुला के और जो भी विशेषज्ञ हैं उनको बुला के इसकी जांच की जाएगी कि इसके टूटने का क्या कारण है। यह जो लड़की समरीन जिसकी मृत्यु हुई है, मकान स्वामी की भाई की लड़की।